हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल। वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, फाइनली हीरो कंपनी अपने स्प्लेंडर प्लस को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप लोगों को जबरदस्त लुक देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों, बाइक में आप लोगों को अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हीरो कंपनी की ओर से आने वाला स्प्लेंडर प्लस के बारे में कंप्लीट डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। इस बाइक में दोस्तों क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा, इसके अलावा दोस्तों बाइक का प्राइसिंग क्या रहने वाला है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब तो कर देना। तो चलो दोस्तों, फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बाइक के अपडेट के बारे में बात करें तो अपडेट हुआ है बाइक के फ्रंट में। जो लोग स्प्लेंडर के यूजर्स हैं उनको पता ही होगा कि बाइक में पहले हैलोजन हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलता था, जिसका जो रोड पर विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम था। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हीरो कंपनी ने फाइनली अपनी स्प्लेंडर प्लस में एलईडी हेडलाइट का सेटअप न्यू अपडेट किया गया है, और बाइक के फ्रंट में आपको बिल्कुल न्यू हेडलाइट का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। बाइक का जो हेडलाइट का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार प्रोवाइड कराया गया है, और बाइक के हेडलाइट में आपको DRL देखने को मिलेगा। अगर हम बाइक के अगले चेंजेस के बारे में बात करें तो बाइक के इंडिकेटर में आपको पैशन प्रो वाला इंडिकेटर देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत अच्छी लुक दे रहा है। इसके अलावा दोस्तों, हीरो कंपनी ने बाइक का जो सीट हाइट है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग हीरो का स्प्लेंडर प्लस से लॉन्ग ड्राइव करना पसंद करते हैं, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हीरो कंपनी ने अपनी स्प्लेंडर प्लस की सीट हाइट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। अब बाइक में आपको पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा कम्फर्टेबल सीट देखने के लिए मिलेगा, बाइक में और भी ज़्यादा कुशनिंग देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बाइक के अगले चेंजेस के बारे में बात करें तो बाइक के माइलेज को भी बढ़ा दिया गया है। पहले बाइक में आपको 60 के आसपास माइलेज देखने के लिए मिलता था, अब कंपनी ने बाइक के इंजन को और भी ज़्यादा स्मूथ कर दिया है, जिससे आपको बाइक में 70 प्लस माइलेज देखने के लिए मिलने वाला है। अगर हम बाइक के इंजन के बारे में बात करें तो कंपनी ने बाइक के इंजन के पावर को और बाइक के इंजन को स्मूथ कर दिया है। बाइक में आपको 100cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि मैक्सिमम पावर को प्रोड्यूस करता है 7.9 BHP का और मैक्सिमम पावर 8.5 Nm का। इसके अलावा बाइक में आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार न्यू कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि बाइक में लुक को और भी ज़्यादा बढ़ा रहा है। अगर हम बाइक के प्राइस के बारे में बात करें तो बाइक का जो प्राइस है वो पहले के मुकाबले आपको 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, ये आपको हीरो का स्प्लेंडर प्लस कैसा लगा, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के धन्यवाद।